भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका टीवी से गहरा रिश्ता रहा है। भोजपुरी सिनेमा को छोड़ इन एक्ट्रेसेस ने छोटे पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाई और कामयाब भी हुई। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की बात करेंगे। आज हम आपको उन टीवी हसीनाओं से रूबरू करवाएंगे जिनका नाता भोजपुरी सिनेमा से भी रहा है। सबसे पहले बात रश्मि देसाई की करेंगे। उत्तरन और बिग बॉस फेम रश्मि देसाई ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा से की थी। रश्मि को गब्बर सिंह से लेकर बलमा बड़ा नादान जैसी भोजपुरी फिल्मों में देखा गया है, लेकिन एक्ट्रेस को उत्तरन की तपस्या बनकर ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। अब बात करते हैं छवि पांडे की। सीरियल अनुपमा से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली छवि पांडे ने भी अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा से ही की थी। उन्होंने निर्भया के साथ फिल्म विदेशिया और राउडी पुलिस में काम किया है। छवि पांडे के बाद बात मोनालिसा की करेंगे। भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली मोनालिसा भी टीवी जगत का हिस्सा रह चुकी हैं। लेकिन फिलहाल मोनालिसा ने अपना सारा ध्यान टीवी शो पर ही लगाया हुआ है। आपको बता दें कि मोनालिसा नजर और बेकाबू जैसे सीरियल्स में दिख चुकी हैं। टीवी में मोनालिसा ज्यादातर नेगेटिव किरदार निभाती नजर आती हैं। भोजपुरी से टीवी में जाने वाली एक्ट्रेसेस की बात करें और जिक्र श्वेता तिवारी की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, सीरियल कसौटी जिंदगी की से दर्शकों के बीच जबरदस्त पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी भी भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने हमार सैया हिंदुस्तानी और ए भौजी के सिस्टर जैसी फिल्मों में काम किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अमर उजाला बिहार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।